बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से मैं लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आपकी लोगों की मोहब्बत है कि 45,500 लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने एक वीडियो ये सीरीज की है जिसमें मैंने नमर्दगी की ज़हनी वजूहात पे डिस्कशंस की। तो इस सिलसिले में, इस वीडियो में मैं उसका इलाज की तरफ आऊँगा कि फिर इसका इलाज क्या है, थेरेपी क्या है, क्योंकि ये चीज़ मेडिसिन से ठीक होने वाली नहीं है, इसके लिए थेरेपी की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थेरेपीज के कुछ चीज़ा चीज़ा पॉइंट्स बता सकूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मदद देंगे। इसमें जो मेरी टेक्निक है, मैं उनको पहले ये बताता हूं कि जो सेक्स है ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो मोहब्बत का इजहार है और ये इतना ही आसान है जितना कि यूरिनेट करना, पेशाब करना। अब पेशाब करना किसको नहीं आता, सब करते हैं, लेकिन अगर आपको 100 बंदों के सामने आपको जिन निकाल के फौरन पेशाब करो उनके सामने और वो देख रहे हो आपको सामने आपके नफ्स को, तो वही काम जो बिल्कुल आसान था वो बड़ा बहुत मुश्किल हो गया। कई दफा ऐसा होता है बस वाले कहते हैं उतरो जाओ सामने से कर लो, तो नहीं कर पाते, पीछे से हॉर्न मार रहे होते, टा 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 टा, खौफ परेशानी। एक सिंपल चीज जो है उनके लिए किस हद तक वो मुश्किल हो जाती है, तो उन्हें ये बयान करना जरूरी होता है उनको कि ये एक बहुत आसान चीज है, नेचुरल चीज है। तो मैंने एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स का मैंने जाती तौर पे एक मॉडल बनाया हुआ है, जिसको मैंने इंशाल्लाह बाहर भी प्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स का बताया है कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स क्या है, सेक्स कैसे होता है। जब मरीज उसको समझता है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे एक नॉर्मल आदमी है जो ना ज़्यादा घबराया हुआ है ना परेशान है, वो इजी है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है, चलो ठीक है। फिर वो किसी कमरे में जाता है, उसको वाइफ को देखता है, गर्लफ्रेंड को देखता है, तो उसके दिल में एक तसव्वुर सा आता है कि हाँ भाई अच्छी है, इसके साथ सेक्स भी हो सकता है, लेकिन कोई तब्दीलियां नहीं ऐसी आती, ठीक है। फिर इसका मतलब ये उसमें ख्वाहिश का एक एलिमेंट उसमें पैदा होना शुरू हो गया। फिर आराम से वो बैठता है, हाथ शाथ पकड़ता है, तो अपने आप को फर्दर रिलैक्स करता है। जो रिलैक्सेशन जो है, अब रिलैक्सेशन और खौफ ये दो बिल्कुल ऑपोजिट है। अब वो बंदा कमरे के अंदर गया, जैसे एक नया लड़का बीवी के पास गया है, तो वो वहां जाकर रिलैक्स नहीं कर रहा, वहां वो टेंस हो रहा है कि मैंने इसका सेक्स करने और ना कर पाया तो क्या बनेगा। तो लेकिन आम रूटीन में वो इंसान जाता है और वो रिलैक्स करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, चूम लेता है, आगे से पकड़ लेता है। अब जो वो कर रहा होता है रिलैक्स होता है, साथ ही उसको प्लेयर एक मजा आना शुरू होता है कि जिस्म में सुरूर आना शुरू हो जाता है। जो ही सुरूर आना शुरू होता है तू तू उसके नफ्स की ब्लड सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका नफ्स खड़ा होना शुरू हो जाता है और वो उसके जिस्म के कई हिस्सों पे इंजॉय कर रहा होता है, चाट रहा होता है, चूम रहा होता है, हाथ फेर रहा होता है और इंजॉयमेंट का लेवल उसका बढ़ जाता है, तो नीचे उसका इरेक्शन भी हार्ड हो जाता है। फिर उसे अगर टेक्निक आती है करने की, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को सिखाता हूँ कि कैसे आपने परफॉर्म करना है, सुराख में कैसे डालना है, पोजीशन क्या कैसी रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं उनको वीडियोज़ और मॉडल की मदद से बताता हूँ, तो वो फिर उसके बाद वो उसमें एंटर कर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ टेंस हो रहे हैं, कहाँ आपने सिर्फ आपने प्लेयर लेना है, इरेक्शन नहीं लेना, आप प्लेयर पे फोकस करें, इरेक्शन पे फोकस ना करें। जब वो बंदा इन सीक्वेंस को अच्छी तरह समझता, जैसे मैंने अपने सेक्सुअल रिस्पॉन्स मॉडल में मैंने बताई है, तो वो लोग
कहते हैं हमें वाकई बहुत फायदा होता है, हम उसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं और हम सेक्स बाद में परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब रिलैक्स करने के लिए अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे, आप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, मसल्स को टेंस और रिलैक्स कर लें। उसी किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो अवेलेबल हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अगर आप टेंस हो रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से रिलैक्स कर लें। फिर एक टेक्निक है जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस एंड सेंसेड फोकस। माइंडफुलनेस है बुद्धा के दौर की एक टेक्निक है जो कहते हैं ना माजी ना मुस्तकबिल, सिर्फ हाल, प्रेजेंट, आपके सामने क्या है। इस टेक्निक से आप सेक्स करें। मैं फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं पेशेंट्स को कि आप लड़की के पास गए हैं, आपने नहीं देखा कि आपका माजी क्या है, आपको ये नहीं है फ्यूचर की कि जनाब मैंने इसको सेटिस्फाई करना है, आपका आपके सामने उसका हाथ है, हाथ क्या उसका टेक्सचर है, उसकी ब्यूटी है, मुलायमियत है, गर्म है, सर्द है, खुशबू वाला है, नहीं, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाजू पे आप अपनी तमाम जो सेंसेशन है उसके पहले एक्टिव करते हैं। मैं कानों को कैसे एक्टिव करेंगे, आवाज सुनेंगे, कोई घड़ी की टिक टिक एक्टिव हो गई, सांस लिया लड़की खुशबू आई, नाक एक्टिव हो गई, आंखों से देखा रोशनी में देखा आंखें एक्टिव हो गई, जुबान से उसको चाट के देखा आपका टेस्ट एक्टिव हो गया, बॉडी से टच किया, सो आपने अपनी तमाम सेंसेशन को एक्टिवेट किया। फिर आपने उसकी बॉडी के हर हिस्से को अपनी पांचों सेंसेस के साथ इंजॉय करना है। जैसे गर्दन है, मैं गर्दन को आप जुबान लगा के देखें, टच करके देखें, कान लगाएं उसकी आवाज सुने सांस की, ठीक है, खुशबू उसकी देखी, फिर आप ब्रेस्ट पे अपना कंधे पे आ गए, सो आप एक एक हिस्से को आप करते जाए, आपकी इंजॉयमेंट का लेवल बढ़ता जाए, लड़की का रिस्पांस भी आना शुरू हो जाएगा, वो भी सेक्सुअली अपने आप को एक्साइटेड फील करेगी और उसका जो रिस्पांस आएगा वो आपके अंदर सेक्स को इजाफा करेगा, क्योंकि हमारा ये रूल है गिव टू गेट। आप लड़की को प्लेजर देंगे, आपको प्लेजर मिलेगा और आपको प्लेजर मिलेगा और आपका जोश बढ़ेगा, यानी कि आपकी होशियारी बढ़ेगी, आपका तनाव बढ़ेगा। सो आप तनाव को बिल्कुल पीछे रख के उसकी बॉडी के हर हिस्से को एंजॉय कर रहे हैं, सर से लेके पांव तक के हिस्से। इन द मीन टाइम आप देखते हैं कि आप दोनों रेडी हैं सेक्स करने के लिए, टेक्निक आती है तो आप आराम से कर लेते हैं। सो ये है माइंडफुलनेस। मेरे बहुत ज्यादा मरीज इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, यानी कि मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें वहां अपने क्लिनिक पे बताना मेरे लिए बड़ा होता है मुश्किल, लेकिन बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं। तो वो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही उससे फायदा हो जाएगा। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं कि हाँ भाई सुराख कहाँ पे है, लड़की को किस पोजिशन में रखना है, टांगे कैसे खोल के रखनी है, घुटनों की पोजिशन क्या रखनी है, टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, पहले आपने टोपी अंदर डाली है तो आप पिछला हिस्सा डालने के लिए आपने क्या करना है, यानी कि वो सारी बातें उनको ट्रेन करता हूं, क्योंकि अक्सर लोग इसमें मार खा रहे थे, सामने से सेक्स करने में थोड़ा सा एक डिफिकल्टी होती है। फिर इसके अलावा अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होती है तो उनकी पार्टनर को बता के फिर उसे टेक्निक बता देते हैं कि वो ऊपर से आके कैसे उसको अंदर दाखिल करे, तो वो सीख जाती, फिर वो उस तरीके से कर लेती हैं। सो कुछ ना कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जो कि जिसमें आप इंटरकोर्स इरेक्शन के बाद टेक्निकली सही कर सकते हैं। अगर लड़की को आप कर लेते हैं डॉगी पोजीशन में ले आते हैं तो आपको पता हो कि जो वजाइना का सुराख है ये कहाँ पे है और वहां पर डालना और बहुत आसान होता है पीछे डॉगी पोजीशन में, क्योंकि उसमें आपको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्ट्रेट भी अंदर जाते हैं, लेकिन पहचान कि ये है कहाँ पे तलाश कर सके। तो ये चीजें हम उसको बताते हैं कि सामने से करोगे तो कैसे करोगे, पीछे से करोगे तो कैसे करोगे, उसे ट्रेनिंग दे देते हैं
वीडियोस के जरिए, मॉडल्स के जरिए, तो नतीजा ये निकलता है कि वो सेक्स कामयाबी से कर लेते हैं। बहरहाल हम डॉक्टर हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे मैंने बताया प्रीमच्योर इजैकुलेशन के लिए मेडिसिन देनी पड़ जाती है, रिलैक्सेशन के लिए एक्सरसाइज देनी पड़ जाती है, मेडिसिन देनी पड़ जाती है, इरेक्शन के लिए वेसल्स खोलने के लिए देनी पड़ जाती हैं। तो वो हमारा एक डोमेन है, तो वो हम अपनी जो मेडिसिन हैं वो भी साथ दे देते हैं। उससे कुछ मरीज को भी कॉन्फिडेंस होता है, हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं ये मेडिसिन माइंडेड हैं। आप लाख टेक्निक इस्तेमाल कर लें, 3 घंटे लगा लें, मेडिसिन ना दें, वो कहते हैं डॉक्टर बेकार था, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, इसने तो मुझे दवाई ही नहीं दी। तो दवाई का एक बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उनके ऊपर होता है। तो लेकिन मैं ऐसे नहीं करता कि मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाली ये वो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं देता, मैं कुछ ऐसे ही देता हूं जो उसको एक्चुअली हेल्प कर रही होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी वेबसाइट पे जाएं, आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेने में भी आसानी मिलेगी और आपको बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी जो कि मैं इस चैनल पे नहीं दे सकता। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।